नमस्कार दोस्तों, मैं पप्पू सर आपके अपने यूट्यूब चैनल फिएस्टा क्लास में स्वागत है। दोस्तों अभी का ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। इस वीडियो में विदेशी एनएम जैसा 709 पोस्ट के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। आज के डेट में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, विदेशी आयोग की तरफ से और पटना हाईकोर्ट की तरफ से विदेशी एनएम जैसा 709 पोस्ट के रिगार्डिंग जो भी अपडेट निकल के आ रही है, सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इसलिए यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो विदेशी एनएम दसर 709 पोस्ट का फॉर्म भर है और चाहते हैं काउंसलिंग के आधार पर यह वैकेंसी क्लियर हो, तो बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही साथ यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो स्वास्थ्य विभाग में न्यू वैकेंसी आने का इंतजार कर रहे हैं, जैसे फार्मासिस्ट, ओटी, ईजीसी, एक्सरे टेक्नीशियन, एनएम, जेएनएम, पारा मेडिकल और ड्रेसर की न्यू वैकेंसी आने का इंतजार कर रहे हैं, तो बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में सारी जानकारी वन बाय वन करके टॉपिक वाइज डिटेल्स में बताने वाले जो आज के डेट में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से निकल के आई है। इससे पहले हमारे चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस ऐसा ही वीडियो पाने के लिए। दोस्तों वीडियो में बने रहिए, चलिए बिना समय के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बता रहे हैं। तो दोस्तों अभी जो 10 अप्रैल के डेट में 4 केस हुआ है और 8 अप्रैल के डेट में 1 केस हुआ है, ये 5 केस का सभी लोग बोल रहे हैं जो लिस्टिंग हो जाएगा और 18 से पहले सुनवाई हो जाएगा, तो जो भी बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं क्योंकि ये भी केस जो है इसी में मर्ज हो जाएगा और 18 को ही फाइनल होगा, इससे पहले कोई लिस्टिंग नहीं होगा, कोई सुनवाई नहीं होगा, और कोई बता रहे हैं तो वो गलत बता रहे हैं। दूसरी बात है, सभी लोग बता रहे हैं जो विदेशी क्वालिफाइड के पक्ष में ही है इसलिए बार बार जो है एलपीएफ फाइल कर रहे हैं। विदेशी ये नहीं चाह रहे हैं या सरकार ये नहीं चाह रहे हैं जो हम संविदा कर्मी को ज्वाइन करवाएं, सरकार चाह रहे हैं जो हम क्वालिफाइड स्टूडेंट को ज्वाइन करवाएं, इसीलिए लगातार जो है सरकार के द्वारा जो है नया केस किया जा रहा है। जो लोगों को कहना है और लोग जो है सोशल मीडिया पर इस टाइप को जो है मैसेज को वायरल कर रहे हैं। दूसरी बात है, जो हम नाइट में भी आपको बता दिए सभी केस को एक साथ मर्ज कर दिया जाएगा और 10 अप्रैल को जो सुनवाई हुई थी तो जो हम लोग सिंगल मैच में जो फाइनल जजमेंट मिला था उस पर स्टे नहीं ले पाए, और जो अभी स्क्रीन पर आप तस्वीर देख रहे हैं यही हमारे मोहित शाह जी हैं, जज साहब हैं, और इन्हीं के द्वारा हम लोग को सिंगल मैच में फाइनल जजमेंट दिया गया था, और इसी जजमेंट पर 15 अप्रैल, 2 अप्रैल, 9 अप्रैल और 10 अप्रैल तक पीके साई सर स्टे मांग रहे थे, बट वहाँ पे कोई रिलीफ नहीं मिला क्योंकि स्टे जज्बात पे नहीं मिलता है, सबूत पे मिलता है और इनके पास कोई एविडेंस नहीं था, इसलिए वहाँ भी रिलीफ इनको नहीं मिला। तो 10 तारीख एक नया ये चाल चले जो हमें अंतरिम राहत दिया जाए। अंतरिम राहत मतलब क्या, जो हमें भी इसमें 50% जो है क्वालिफाइड स्टूडेंट को ले लीजिए और 50% आप संविदा स्टूडेंट को ले लीजिए, यहाँ भी इनको कोई रिलीफ नहीं मिला क्योंकि कोर्ट हमेशा एविडेंस के आधार पर ही चलती है, तो इसलिए यहाँ पे इनको कोई रिलीफ नहीं मिला। ये पूरे जो है इनको उस दिन फटकार भी सुनाई पर लगा, इनको 10 अप्रैल को अच्छा खासा इनको फटकार लगा, तो ये तो पूरा तो हार चुके हैं, उसी दिन जो है पूरा क्लियर कर दिए, हर चीज़ कर दिए, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं, हर चीज़ नहीं, इसलिए जो अंतिम रिलीफ तक ये आ चुके हैं, अंतिम राहत तक भी आ चुके हैं, बट इनको ये भी नहीं मिला, तो फाइनल उस दिन सभी केस को मर्ज कर दिया गया और इसका फाइनल जजमेंट आपको 18 अप्रैल को मिलेगा। तो उसके बाद जो है लोग जो है समझ गए तब हम अब तो हम लोग हार गए, इसलिए 4 से 5 एलपी और फाइल कर दिए, उससे कोई दिक्कत नहीं, इनको फाइल करने दीजिए क्योंकि सभी को क्या होगा मर्ज कर दिया जाएगा और 18 को फाइनल होगा, इसलिए 10 20 50 जितना भी एलपी फाइल करना है करने दीजिए, सरकार क्या चाह रही है उससे हमको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 100% हम लोग की जीत है और जीत हो चुकी है और जीत हम लोग करेंगे और फाइनल आपको 18 अप्रैल को फाइनल जजमेंट देखने को मिल जाएगा। दूसरी बात है, अभी भी सुरजीत सर का लोग वीडियो को वायरल कर रहा है जिसमें सुरजीत सर बोल रहे हैं अगर सुप्रीम कोर्ट भी अगर हमें जाना पड़ा तो वहां से भी हम लोग को फाइनली जीत लेके आना है, जैसे हम लोग सिंगल मैच में जीत गए हैं, डबल मैच में भी जीत रहे हैं, और अगर मौका मिला तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और वहां से भी हम लोग जीत कर आएंगे, और इसी को लोग वायरल कर रहे हैं जो सुरजीत सर आप बोल रहे हैं जो यहाँ से हम लोग हार हो रहा है हमारे, इसलिए अब हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, बस उतना ही वीडियो, उतना ही कट, 10 से 15 सेकंड का कट ही लोग वायरल कर रहे हैं। तो लोगों को काम ही है वायरल करना, लोगों को काम ही है जो अफवाह फैलाना, लोगों को काम ही है ट्रॉफी फैलाना, इस बात पे आप लोग को ध्यान नहीं देना। कल पटना हाईकोर्ट बंद था और आज पटना हाईकोर्ट खुल रहा है, तो सभी केस को लिस्टिंग होगा, हर चीज़ होगा और फाइनली मर्ज हो जाएगा और 18 के डेट में ही क्लियर हो जाएगा, इसलिए आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, आपको परेशान नहीं हो,
जिन किसी के द्वारा बताया जा रहा है या जो भी आपको बता रहा है इस टाइप का होगा, 100% क्वालिफाइड स्टूडेंट को ही सरकार ज्वाइनिंग करवाएगा और इन्हीं लोग को जीत हो रहा है। बताने दीजिए, अरे बताने से क्या होता, हमको ये बताइए बताने से क्या होता। लोग हमें गलत साबित कर रहे हैं, सुजीत सर का गलत साबित कर रहे हैं, पंकज सर का गलत साबित कर रहे हैं, अर्चना जी का गलत साबित कर रहे हैं, इससे क्या होगा। वैसे भी इन लोग को एक सप्ताह का समय दे दिया गया, एक सप्ताह बोलने दीजिए ना, वो तो 18 को देख लीजिएगा क्लियर हो जाएगा। बोलने से क्या होता हमको ये बताइए। इसलिए तो हम आपको जो है फोटो लगा दिए जो मोहित शाह जी, यही मोहित शाह जी है जो हम लोग को सिंगल मैच में फाइनल जजमेंट दिए थे, देख लीजिए अच्छा से। इसीलिए आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, आपको परेशान नहीं होना, 100% 2018 करियर रूल के अकॉर्डिंग ही ये वैकेंसी भी TCNM 10709 पोस्ट की वैकेंसी क्लियर होगा। इसलिए जिनको जो बोलना है बोलने दीजिए, जिनको जो वीडियो वायरल करना है वीडियो वायरल कीजिए, ठीक है। सुजीत सर का जितना वीडियो वायरल करना है वीडियो वायरल कीजिए, मेरा भी लोग जो है छोटा छोटा कट करके जो है मेरा भी वीडियो लोग वायरल कर रहे हैं, बोलने दीजिए, वायरल करने दीजिए, उससे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा हमको ये बताइए। हम तो बता ही दिए जो 10 अप्रैल को क्या हुआ था पटना हाईकोर्ट के अंदर, लोग उसको किस तरीका से वायरल कर रहा, कल भी हम वो वीडियो आपको दिखा दिए। इसलिए जिनको जो वायरल करना है वायरल करने दीजिए, और रहा जो है आयोग जो है LPA फाइल किए तो उनको कहिए 5-7 और LPA फाइल कर देने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझे कि नहीं। क्योंकि टोटल 18 आपको LPA, अभी टोटल 18 केस हुआ था सिंगल मैच, इसमें भी 12-13 जो है LPA फाइल हो चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, परेशान नहीं होना है, 100% हम लोग की जीत हो रही है और 100% हम लोग जीत रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जब अंतिम इनको राहत नहीं दिया गया, हर चीज नहीं दिया गया, कोई चीज नहीं दिया गया, तो आपको पता होना चाहिए हम लोग के पक्ष कितना स्ट्रांग है, और आपको पता होना चाहिए 10-10 हाई कोर्ट का जो है जजमेंट लगा है, 10 हाई कोर्ट का, 2 जो है सुप्रीम कोर्ट का, टोटल 12 जो है इसमें जजमेंट लगा हुआ है। इसीलिए आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, परेशान नहीं होना, हम लोग 100% जीत हो रही है, और जिस सोच के साथ हम लोग मौली सर के लाए ना वो आज पूरा हो गया। इसलिए थोड़ा भी टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा भी आपको परेशान नहीं होना, जिनको जो वीडियो को वायरल करना है वायरल करने दीजिए, ठीक है, जिनको जो कहना है कहने दीजिए, देर आएंगे दुरुस्त आएंगे, ठीक है। अपने भाई पर विश्वास रखिए, ठीक है, भाई का जो टारगेट उसको पूरा कीजिए, और ये भाई कभी भी आपको जो है ना कभी भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे, और इस भाई पर विश्वास कीजिए, 100% हम लोग की जीत हो रही है, 100% ज्वाइनिंग करवाएंगे। इसलिए विश्वास रखना है, विश्वास बना के रखिए, ये विश्वास कभी ये भाई टूटने नहीं देगा। और जितना हो सके आप वीडियो को शेयर कीजिए, फिर 12 बजे लाइव आते हैं तो हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करने वाले, हर एक बिंदु पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और केस स्टेटस भी हम आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाले हैं। इसलिए आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, परेशान होने की आवश्यकता नहीं, जितना हो सके इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, खाना पीना खाइए और इन्जॉय कीजिए, थोड़ा भी आपको जो है डिप्रेशन में नहीं रहना, हमेशा पॉजिटिव सोचिए, और जितना हो सके इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, फिर 12 बजे लाइव जोड़ना नहीं भूलिएगा, क्योंकि 12 बजे हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू।